नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। गुरुवार को आरओपी के कर्नल जनरल अली अल सुलेमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमारे देश यानी ओमान के लिए जो भी वीज़ा है, वो चाहे वर्क वीज़ा हो, रेजिडेंस वीज़ा हो, सभी तरह के वीज़ा इशू करना शुरू हो चुके हैं। और 103 देशों के जो फ्री एंट्री, 10 दिनों के लिए फ्री एंट्री वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, जिसमें इंडिया का भी नाम है, ये लोग डायरेक्ट ओमान में जा सकते हैं। कोई पीसीआर टेस्ट करवा के जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जब आप ओमान में पहुंचेंगे मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उसी समय 25 ओमानी रियाल का आपका पीसीआर टेस्ट होगा। और यदि पीसीआर टेस्ट आपका पॉजिटिव होता है तो आपको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और यदि पीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव होता है तो आप 10 दिनों के लिए बिना किसी वीज़ा के ओमान में टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। और यदि 10 दिन से ज़्यादा आप ओमान में गुजारते हैं, यानी एक दिन ज़्यादा गुजार लेते हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से 10 ओमानी रियाल आपको जुर्माना भी लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया, यदि किसी प्रवासी कर्मचारी का वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो वो अपने देश से ही उस वीज़ा को ऑनलाइन तरीके से रेन्यू करवा सकता है। वो सल्तनत में नहीं है, फिर भी वो अपने वीज़ा को रेन्यू करा सकता है। ये नया सिस्टम आरओपी ने स्टार्ट किया है। यदि 180 दिन से ज़्यादा उस मजदूर वर्कर भाई का हो गया है, 180 दिन से ज़्यादा वो अब सल्तनत से बाहर रह रहा है, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, अपने कंपनी के जो भी पीआरओ के माध्यम से भेज के आरओपी के ऑफिस में 180 दिन के छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल सईदी ने सर्वोच्च समिति के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ये बताया। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि यात्रा करने से पहले आपको जो आपका यात्रा बीमा है वो करवा लेना चाहिए। जी हाँ, ट्रेवल इंश्योरेंस, इसको करा के ही आप ओमान में आ सकते हैं। खासकर इंडिया के भी लोग शामिल हैं, जो 103 देशों को छूट दिया गया है, 10 दिनों के बिना वीज़ा के आप एंट्री कर सकते हैं। आपको कोई पीसीआर टेस्ट करवा करके आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका पीसीआर टेस्ट ओमान के एयरपोर्ट पे होगा जब आप पहुँचेंगे। कृषि मत्स्य और जल शासन अगले अपडेट की बात करें तो कृषि मत्स्य और जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी करके बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि मजनून डेयरी कंपनी को अल सुनैना में स्टार्ट कर दिया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में डॉक्टर सऊद बिन हमूद अल हफ्सी, जो कि कृषि मत्स्य और जल संसाधन के मंत्री हैं, वो मौजूद रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने एक बयान जारी करके बताया है कि हमारे अपील को ध्यान में रखते हुए हमारे निवासी या फिर जो भी प्रवासी भाई हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ जो ब्लड की कमी पहले के हिसाब से बहुत कम हो चुकी है, लगभग हम लोग एवरेज पे चल रहे हैं, यानी कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की मृत्यु अब अस्पतालों में नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करें तो वीज़ा जैसे ही ओपन हुआ है, वैकेंसीज आना शुरू हो गई। इंडिया की बात करें तो जो व्यक्ति इंडिया में है, वो भवान इंजीनियरिंग कंपनी में फ्री रिक्वायरमेंट आई हुई है। 15 दिसंबर 2020 को सूरत के मोरा में इसका इंटरव्यू होना है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मोरा में ये इंटरव्यू आयोजित होगा 15 दिसंबर को।